चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और ये किस पे डिपेंडेंट है भाई? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब कुछ प्रिंसिपल है, इधर डिवाइस है, इधर कुछ प्रिंसिपल है, उससे रिलेटेड एसी जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? अरे भाई, जनरेटर जो होता है, बिजली कैसे पैदा होती है भाई? एसी बिजली कैसे पैदा होती है? तो ये फैराडे का कॉन्सेप्ट था ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी, फैराडे का जो लॉ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी से तो ईएमएफ और करंट जनरेट होता है एसी सोर्स यहाँ से। तो ए का सेकंड है, तो ए का सेकंड है मतलब ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, या तो ये सही है या तो ये सही है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है, आपको ये बात पहले से पता होगा थ्योरी में। तो मतलब बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ मतलब ये गलत है, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। रिजोनेंस फिनामिना आकर, रिजोनेंस किस में होता है? जब एल और सी दोनों प्रेजेंट होंगे, तो इसका जो सी का है वो फर्स्ट है, सी का फर्स्ट आ रहा है। शार्पनेस, शार्पनेस ऑफ द रिजोनेंस क्या आप शो करता है? क्वालिटी फैक्टर, जितना ज़्यादा शार्पनेस होगा उतना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा। ठीक है, तो इस मिला के थर्ड ऑप्शन सही है। बाय बाय, टेक केयर।